दोनों गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो। 881 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस सिस्टम का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है और इसी की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी आतंकी घटना को आतंकी अंजाम ना दे सके। मैं इस समय मौजूद हूँ भोपरा बॉर्डर पर, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान सामने खड़े हुए हैं और हथियारों से लैस हैं। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की काफ़ी चौकसी की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और गाड़ियों की सघन तलाशी भी ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की जो आतंकी है वो जो किसी भी घटना को वो अंजाम ना दे सके। इसी के लिए दिल्ली पुलिस के जो DCP अजीत कुमार सिंगला जी हैं, उन्होंने बताया था कि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ किए गए हैं, चाहे भोपरा बॉर्डर हो, चाहे लोनी बॉर्डर हो, चाहे सीमापुरी बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पर दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। देखिए 26 जनवरी के चलते हुए हमने एक तो एंटी टेररिस्ट मेजर में काफ़ी तेज़ी लाई है, जिसमें कि टेनेंट वेरिफिकेशन है, पार्किंग की चेकिंग है, मार्केट्स की चेकिंग है और एंटी सबरी चेकिंग हो रही है मार्केट्स में। आपने देखा होगा गाड़ियों के भी इन्वर्टर में चेकिंग की जा रही है, साइबर कैफे वगैरह चेक किए जा रहे हैं, इवन जो टेनेंट वेरिफिकेशन बॉर्डर्स में भी हो रही है और जिनके खिलाफ जिन्होंने टेनेंट वेरीफाई नहीं कराया 88 का पर्चे भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बॉर्डर पे भी सख्ती की गई है, बॉर्डर सीलिंग की गई है, बॉर्डर पे चेकिंग चल रही है और इसमें आउटसाइड फोर्स भी रात में हम लगाते हैं जहाँ के अच्छी चेकिंग हो सके। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स हैं BCs आगे क्रिमिनल हैं उनकी भी चेकिंग चल रही है, हमारे जो ERBs है QRT या मोटरसाइकिल है वो भी अच्छे से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एरिया की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है और सभी SHO ACP हम लोग शाम को निकलते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। मैं सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूं और जनता से अपील करता हूं कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनके एरिया में कहीं रह रहा हो जब वस्तु देखें तो हमें तुरंत बताएं, इलाके में जागरूकता लाएं कि लोग टेनेंट वेरिफिकेशन कराएं और अपने आसपास भी ध्यान रखें, एक जागरूक सिटीजन काफ़ी बड़ी वारदातों को बचा सकता है।